अब तुम्हारी चाल। मोहरा चलाते वक्त ये चाल किसके लिए है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हम मात खा जाएंगे। हर काम में सिर्फ बहादुरी ही नहीं चलेगी, दिमाग का लगाना भी बहुत जरूरी है। मजदूरों को ही नहीं मालिकों को भी खतरा है। अगर मुश्किलों का सामना हो तो उसे खुद ही सुलझाना चाहिए, नहीं तो वो हमारा खात्मा कर देंगे। इस बात को हमें याद रखना है। इस दलदल से बच नहीं सकते? क्यों नहीं, जो निशाना हम पे लगाया गया था वही निशाना हम दुश्मन पे लगाएंगे। अगर दो दुश्मन आपस में लड़ेंगे तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, और खेल में सिर्फ हमारी ही जीत होगी। कोई भी फैसला हो वो हमें ही डिसाइड करना है, और जीतने के लिए किसी को भी खोना पड़ सकता है। उसी को ही किंग मेकर कहते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जंग में हर चीज जायज है, ये इसी की बेटी है क्या? माँ हो या बेटी हो, उनको शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करना है। माँ और बेटी के दरमियान अगर दुश्मनी करानी है तो बहुत चालाकी और होशियारी की जरूरत होती है। ये अंत नहीं है, अभी तो ये शुरुआत है। माँ, लगता है भैया यहीं पर है। कोई और होगा बेटा। बउआ चढ़ाकर बेवड़े जैसे बैठे हैं।
इस सर पे निशान कैसा है? गजनी का आमिर खान समझते हो क्या? लगता है सलमान का फैन है। काम पूरा होने तक हमें यही रहना है। ये खून किसका है? Why this कोलावेरी डी? कोलावेरी। Rule number 3। कोई बेकार सवाल नहीं। देखो भैया, कोई भी सवाल नहीं करना, अंदर कर देगी। नाटक नहीं करने का। तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलती है, अगर ऐसी ही चलती रही तो काट कर हाथ में दे दूंगी। तुम्हारी जैसी कितनी फुलझड़ियों को मैंने देखा है आलिया भट्ट कहेगी। चल निकल ले। अगर गेम है तो रूल्स तो रहेंगे ही, उसे फॉलो करना तुम्हारा काम है। मेरी बात ध्यान से सुनो। Rule number 2, जिम्मेदारी से काम करना, जो प्लान किया है उसे पूरा करना। Rule number 1, नो ओरिजिनल नेम्स। नाम मैं बताऊंगी। ड्राइवर का नाम हॉक, तुम स्नेक, टाइगर और तुम काव। बेबी, तुमने इन सबको सांप शेर जुगनू का नाम दिया और मुझे बैल बना दिया। अपन भी टेरर है। रूल्स फॉलो नहीं कर सकते, जस्ट एक्सिट। तुमने तुम्हारा नाम नहीं बताया। फिनिक्स। भाई के हिसाब से तो तुम पटाखा हो। ऊपर वाले ने सिर्फ दो ही अजूबे बनाए। एक तो मैं हूं तो दूसरी तुम पटाखा। ए, मिर्ची लगी क्या? इम्पोर्टेंट रूल। मैं आप लोगों की हेड हूं। डिसीजन लेना, कमांड देना मेरा काम है। कोई नहीं समझाता इसको। ये तो मर्दानी की रानी मुखर्जी निकली। फोन। खून का मतलब अब समझ में आया मुझे। कल शाम एक गैंग सैगॉन में माल लोड करेगी। उस माल को हासिल करना है। जो बात हुई है उसका आधा एडवांस, बाकी काम के बाद। माल का साइज क्या है? इसे एक बैग में रख सकते हो। वो क्या है? Rule number 3 को याद दिलाने की जरूरत नहीं है। काम को अंजाम देने वाले हम हैं। अगर तुमने कहीं हमें फंसा दिया तो, अगर उस बैग में वायरस जैसी कोई खतरनाक चीज हुई जिससे हम मर गए तो, तुम्हारे इन पैसों से हमारी अंतिम क्रिया होगी। इतना डर क्यों रहे हो? उसमें लैपटॉप भी है। गाड़ी रोको। इसके आगे कोई सवाल नहीं करेगा, यही आखिरी सवाल होगा। जैसे तुम जवाब दे ही दोगी। ए, गाड़ी क्यों रोकी? चल निकाल। प्लान में कोई चेंज नहीं है। काव और हॉक गाड़ी में रहेंगे। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। जितना बोला है उतना करो। थोड़ा जल्दी नहीं आ सकते थे क्या? रास्ता दिखाओ।
मैं अंदर नहीं आऊंगा। जगह कैसी देखी नहीं, फंस कर मरना है क्या? इसकी नजर ही डेंजरस है, इसका भरोसा करके अंदर कैसे जाएं? क्यों ठीक है ना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। एडवांस लेकर मुकरने की कोई खास वजह? लड़ने के लिए पैसे लिए हैं, मरने के लिए नहीं। अपना गन मुझे दो, मैं इसे अंदर लेकर आता हूं। हमें क्या एड़ा समझ रखा है तुमने? अंदर कौन है? बोल। मैं सही बोल रहा हूँ, अंदर कोई नहीं है। होशियारी मत दिखा, हमें टपकाना चाहता है। बोल नहीं तो गोली भेजे के पार होगी। मैं सही बोल रहा हूँ, अंदर कोई खतरा नहीं है। वो सब ब्लैक मार्केट में हथियार बेचते हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मैं सही बोल रहा हूँ। अगर कुछ हुआ तो तू गया। आगे बढ़ो। और रात में 3 बजे आई, इसने तुम्हें कुछ दिया क्या? अरे दिया ना। अरे ये लोग कौन है? क्या मालूम, छोड़ दो। हाँ घुसे चले आ रहे। अरे छोड़ दो यार। अरे कौन है यार? बैग बनाना यार, मुझे पूछ रहे कौन आ रहा है। किधर है और किधर से आ रहा है? अरे तू देख, मैं क्यों देखूं? तो मेरी बात नहीं सुन रहा? ठीक है ठीक है, चल चल। लो पियो। यही है वो माल, बताओ। स्नेक, चेक करो। इसमें कौन स्नेक है? तुम ही। तुम इन्हीं के साथ काम कर रहे हो क्या? इसे सिर्फ दिया तो, बाकी गन्स और बुलेट्स कहाँ? क्यों उड़ रही हो? इसके साथ मेरा पुराना हिसाब है, ये डील होने के बाद मैं इसका हिसाब करूंगा। मैं लगा तो नहीं।
रही थी, तूने उसे मारा क्यों? जेल में एक झगड़े में मैंने उसके भाई को मार दिया, इसलिए वो मुझसे खुन्नस रखता है। अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मुझे मार देता। चुप रहो, तुम्हारी वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। जाने दो उसे, आज से उसका दुश्मन हमारा भी है। इसी वजह से हम फ्रेंड्स नहीं बन सकते। इस डील के बाद हमारे रास्ते अलग हैं। इससे तो हम निपट लेंगे। पहले उधर देख, बहुत ज्यादा खून बह रहा है। अगली बार मैं बोलूंगी नहीं। डर रहा था आपको कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं साथ आया। मुझे छोड़कर मत जाना। कुछ हद से ज्यादा भरोसा करने लगा। यह गलत बात है। इस बिजनेस में कभी भी किसी पे कोई भरोसा नहीं करना चाहिए। तुम मुझे मत सिखाओ किस पे भरोसा करना है। तुम्हें दिए हुए आखिरी काम के पहले स्टेप में तुम हार गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हारी बेटी की रिहाई का सपना सपना ही रह जाएगा। वो तुम्हारे पास कैद है, इसलिए मैं चुप हूं। तुम्हारा काम हो जाएगा। उस मासूम की आजादी अब तुम्हारे हाथों में है। मैं तुम्हारी बेटी को चाहे जितना प्यार दे दूं, लेकिन वो मां वाली बात नहीं आती। मेरी बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। उसके लिए तुम्हें मेरा काम करना होगा। तुम्हें लैपटॉप मिल जाएगा। मुझे मेरी बेटी चाहिए। मैंने जिस खेल को खेलने की शुरुआत की है, अंत उसका तुम्हें ही करना है। क्या हम चिड़ियों का शिकार कर रहे हैं? इससे क्या होगा? हाँ, होनहार तो खाली हाथों से ही धमाका करते हैं, और करना है। होगा या नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ही करना है और जीतना भी है। देखो, मुझे और अपनी बेटी को निराश मत करना।
मैं भी चलाऊंगा। फायर करके देखो चलती है या नहीं। मैं भी सलमान भाई की तरह हूँ, एक बार कमिट कर लिया तो किसी की नहीं सुनता। एड़ा समझता है क्या बे? आगे का प्लान क्या है बोलो। आज रात हम दो ग्रुप में डिवाइड होंगे, वहां लैपटॉप का ऑक्शन होगा। ऑक्शन में शामिल होने की हम सबको एक्टिंग करनी है। बोलूंगा तो मारेगी। अरे एक्टिंग के ऑक्शन में ही ले लेंगे हम। चुप कर, ऑक्शन लेगा। इकट्ठे जाने में क्या प्रॉब्लम है? वो पहचान लेंगे, अलग जाना होगा। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, मना तो नहीं करोगी ना? ऐसे देखने की वजह? वजह यह है, तुम बहुत क्यूट हो। अब अंदर चलें। हे, भूल गई क्या? किस लिए? आज की रात हम दुनिया के लिए कपल्स हैं। वैसे तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा नहीं हूं, पर जिस काम के लिए आए हैं उसके लिए जरूरी है। पीछे ही बैठे पूरे थ्री इडियट्स हैं। डोंट वरी, जल्दी फिनिश कर देंगे। स्नेक फ्री की दारू समझ के फुल टू मत। कौन है ये लोग? रूल नंबर 3 इसका जवाब है। तुमने देखा, फाइटर को लेकर आए हैं। सिर्फ यही नहीं, एक हॉल के बाहर, एक डोर के पीछे और बालकनी में भी एक है। तुरंत पीछे मत देखना, एक लेदर बैग और एक सूटकेस भी है। माल दोनों में होगा, लेकिन शायद एक डुप्लीकेट है। ये क्यों लेकर आए होंगे? इनकी डील जैसे ही खत्म होगी डुप्लीकेट से रिप्लेस कर देंगे। इसमें ओरिजिनल कौन सा है, कैसे पता चलेगा? मैंने जो सोचा है बोलूं क्या? बोलो। सरप्राइजिंग। हम दोनों उठकर उधर जाएंगे, किसी को हम पर शक नहीं होना चाहिए। सबको अलर्ट रहना है, कोई भी किसी चीज के लिए पैनिक नहीं होगा। तुम ऊपर वाले को वॉच करना। ओके, लेट्स गो।
I'm so sorry. Good catch. लेके आ गया ये। ये उस एडवाइजर की खास जगह है, यहां सिक्योरिटी बहुत टाइट रहेगी। ठीक से फोकस करना। डील के लिए आएंगे मालूम था, मगर ये लौंडिया को लेकर आए हैं। हमारा अटैक फ्रंट गेट से होगा, उनको मारकर माल को बाहर निकालना होगा। अगर बीच में कोई आया तो उसको उड़ा देंगे। अभी से रात का काम शुरू कर देंगे, ओके? स्नेक, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम सोच रहे हो कि जब वो लोग सो जाएंगे तो हम लोग रात में अटैक करेंगे। रात में तो वो लोग और होशियार रहेंगे। मेरी बात सुनो, यह काम इतना आसान नहीं है। हर पल खतरा है, कभी भी ढेर कर सकते हैं वो। पहले सर्विलेंस कैमरा की पोजीशनिंग देखनी होगी, फिर अंदर जाना होगा और तुरंत बाहर आना होगा। गन का इस्तेमाल कम से कम। ऑलराइट, क्या प्लान है क्लियर बताओ। इस टाइम तुम्हें चांस दूंगी। कुछ देर आराम कर लो, क्योंकि कल का दिन बहुत खास है। तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हारी जैसी लग रही है। मैं कैसे यकीन करूं कि यह मेरी ही बेटी है? हो, उसके माथे पे निशान है, उसे देखकर पहचान नहीं सकी? ठीक है, मुझे क्या करना है बताओ। मुझे जवाब दो। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम रोती रहो।
मुझे हमेशा के लिए आजाद करो। देखो मुझे गुस्सा मत दिलाना, मेरा काम हो जाएगा तो फिर तुम आजाद हो। मुझे तो किसी भी कीमत में बस वो लैपटॉप चाहिए, उसे देकर तुम अपनी बेटी को ले जा सकती हो। क्या देख रहे हो सर पे मार? फिनिक्स हिम्मत से जाओ। खत्म हो गई है, एक और लेकर आ। पहले तो पहले जाओ एटक ले ले जा। ए, आवाज की तो गला दबा दूंगा, साइलेंट मोड पे रहे। ए, चला कि नहीं, कोई उठेगा तो गोली मार दूंगा। लेट रहो लेट रहो। तुम इन पे नजर रखना। चिल्लाना मत, लैपटॉप कहाँ है? लैपटॉप किधर है? वहां चेयर पर रखा है। तुम जो भी हो गोली मत चलाना, बेकार में पंगा मत लो मुझसे। तुम
बच गए कम से कम। रुक जाओ, लेट जा नीचे। इन सब को बांधो। अभी एक मिसिंग है। हम इनसे निपटेंगे। नहीं, मैं यही रहूंगा। डू व्हाट आई से। उसका नाम क्या था? थॉन। जब वो बच्चा था मैं उसे जब जब मार्केट में मिलती थी और एक दिन वो मुझसे मिलने आया और बोला कि मुझे अपना भाई बना लो।
मैं 14 सालों तक प्रोस्टिट्यूशन के लिए कैद रही। वो सिर्फ मेरी वजह से ही फंसा रहा। मुझ पे जान छिड़कता था। मिल सकती है। टैन लैपटॉप नहीं मिला। मैं इस मिशन से बाहर आना चाहता हूं। पागल हो गए हो तुम? जो काम दिया गया था कर नहीं पाया, कैसे मुंह दिखाऊं? लैपटॉप को हासिल करना ही होगा। ब्लैक मार्केट में उसका भाव कई मिलियन डॉलर्स में है। वो अगर हाथ आया तो विनसेट वन को हैक कर सकते हैं। सारा डेटा उसी लैपटॉप में कैद है। आर्मी की सारी इन्फॉर्मेशन उसी में, जानते हो ना? ब्लैक ड्रैगन को पकड़ना मेरा मिशन है और मुझसे ये हो नहीं पा रहा, क्या करूं? ये क्या मजाक है? इस मिशन में तुम्हारी क्या भूमिका है तुम जानते हो ना? जब तक हम लोग उसे हासिल न कर ले तुम इसे छोड़कर नहीं जा सकते। मिशन की वजह से पिता की अंतिम क्रिया भी नहीं कर पाया, ये फर्ज तुम्हें निभाना पड़ा। तुम्हारे पिताजी मुझे अपने बेटे की तरह समझते थे। मैं समझ सकता हूं कि तुम पे क्या बीती है। जब तुम सब कुछ जानते हो तो फिर मुझे रोक क्यों रहे हो? तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ सकते। तुम्हें यह काम करना ही होगा। ब्लैक ड्रैगन की वजह से अगर तुम पीछे हटे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ये कर्ज तुम्हें चुकाना होगा वरना तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी। मेरी बात समझ रहे हो ना? वरना तुम्हारे जीने का कोई मतलब नहीं। ब्लैक ड्रैगन अब नहीं बचेगा। मैं बांध देता हूं।
ये लाइन तुमने किस लिए चुनी? जानना जरूरी है। कोठे के धंधे से एक आदमी ने मुझे बचाया, आज वही मेरा बॉस है। नाम क्या है उसका? उसका असली नाम मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है वो मुझे अपने नाजायज कामों के लिए यूज कर रहा है। फिर उसके लिए काम क्यों करती हो? उसने मुझे मार्शल आर्ट सिखाया और पढ़ाया भी। मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। उसके सारे दुश्मनों को आज तक मैं ही हैंडल करती आ रही हूं। बिजनेस मतलब क्या बेचता है वो? इंसानों को। तो तुम्हें उससे पैसे मिलते हैं, इसलिए तुम उसके इशारों पर नाचती हो। मुझे वो लैपटॉप चाहिए। स्नेक को तलाश करना कोई बड़ा काम नहीं है। उसको और लैपटॉप को ढूंढ के दे दो, उसके बाद मैं सारे पैसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन तुम्हारे लिए काम करूंगा। क्या आप भी अपना असली नाम नहीं बताओगी? रूल नंबर 1 को शायद तोड़ने की तुमने ठान ली है। आज से हम दोनों अलग नहीं हैं। मुझे ट्रेन बुला सकते हो। Let's go.
खामखां मेरे दो लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन काम अभी तक नहीं पूरा हुआ है। कितने भी लोग मर जाए उसे तुम्हें क्या, तुम अपने काम से मतलब रखो। ये गुस्सा तुम्हारे चेहरे पे अच्छा नहीं लगता। हम अपने बिजनेस के कामों में सेंटीमेंट्स को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। बार बार तुम्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। सेंटीमेंटल ना हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटी को कैसे भूल सकती हूँ। मुझे अपनी आजादी चाहिए, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। हम दोनों तुमसे कहीं दूर चले जाएंगे। जाओ। मैंने रोका नहीं है, चली जाओ। और तुम जा सकती हो, मेरे आदमियों का इधर पहरा भी नहीं है। तुम पूरी तरह से आजाद भी हो लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। मैं जानता हूं कि मेरा काम पूरा भी करोगी और तुम्हें करना ही होगा। गलतफहमी में मत रहना, मैं तुम पर गोली भी चला सकती हूँ। मुझे मेरी बेटी दो। मैं कह रहा हूँ दिमाग से काम लो। मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है, लेकिन मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। आज भी फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। लैपटॉप को तुम्हारे मुंह पर फेंक कर मैं अपनी बेटी को जरूर ले जाऊंगी। आज सुबह बहुत जल्दी आंख खुल गई। बचपन में सुबह सुबह उठना पसंद नहीं था। हर दिन मेरे पिताजी मुझे मार कर उठाते थे और ग्राउंड ले जाकर मार्शल आर्ट सिखाते थे। अब वो कहाँ है? क्या? नहीं भाई, थोड़ा वक्त और लगेगा। तुम बड़े दिन के बाद दिख रहे हो। हाँ, पूरे 2 साल बाद। मैंने तुम्हारा थोड़ी ना पैसा खाया। तू भागा क्यों? अरे अचानक से तुम दिखे, वो भी बहुत दिनों के बाद। लैपटॉप लेकर भागने वाला अभी कहाँ है? तू जानता है कैंग इस वक्त कहाँ है, बोल दे। कुछ दो तो बोलू। पैसे चाहिए? कितना चाहिए? 30 लाख काफी होंगे क्या? बोल कितना चाहिए। सुनो, मुझे नहीं बोलता। बता दो। जल्दी बोल। वो है ना, एलू नाम का कोई आदमी, उसकी कोई फ्रांस वालों से लैपटॉप के बारे में कुछ बात चल रही थी, वही मैंने सुना। और उससे ज्यादा कौन है वो और कहाँ मिलेगा?
ट्रेड में वो एक मेंबर है, कभी कभार बुलेट्स खेलने आ जाते हैं और उसकी एक ही आंख है, आसानी से पहचान लोगे। झूठ निकला तो जिंदा नहीं रहेगा। तुम कहां हो? जहां होना चाहिए वहीं हूं। तूने क्या सोचा था कि नहीं आऊंगा? पिछली बार तो तुम बाल बाल बच गए, एक बार भी जान मत गंवाना। लैपटॉप कहां है? पिछली बार क्या मैंने धोखा दिया? तुम बहुत शरीफ ज्यादे रहे हो। मैं यहां तेरे लिए ही आया हूं। तुझ पे जरा भी भरोसा नहीं, जानता हूं चारों तरफ तेरे आदमी हैं। आओ साले बाहर आओ। लैपटॉप चाहिए या नहीं? भरोसा तोड़ा ना। जाओ जाकर अपने बॉस से कहो कि अब लैपटॉप के लिए उन्हें 10 लाख ज्यादा देने होंगे, तब ये डील पूरी होगी, नहीं तो लैपटॉप टुकड़े टुकड़े। जाकर बोल। बोल लैपटॉप कहाँ है, नहीं तो काट के रख दूंगा। में आकर बैठ जाओ। ये लो, उसको ये लगा दो, ठीक हो जाएगा। क्या है ये? कंबोडियन मेडिसिन, इससे ब्लीडिंग तुरंत रुकती है।
तुम ही हो ना ब्लैक ड्रैगन? मेरा नाम तुम्हें किसने बताया? क्यों, पहचानना मुश्किल है? अच्छा, और तुम्हारा नाम? टाइगर। क्यों, इसने बताया नहीं क्या? म्यूजिक सुनते वक्त डिस्टर्बेंस बॉस को गुस्सा दिलाता है। अब तुम ही बता दो ना। वो कुछ बोलता ही नहीं है बॉस। इस काम के लिए तुमने काफी खून पसीना बहाया। अगर तुम्हें कोई गाना पसंद है तो मुझे बता दो, क्योंकि मैं तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। सुन रहे हो ना मेरी बात? अब मैं तुम्हें 10 सेकंड की मोहलत देता हूं। इसी टाइम में लैपटॉप कहां है ये तुम्हें बताना होगा, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अब अधूरी हो जाएगी। बातों ही बातों में 8 सेकंड अब तक जा चुके हैं, सिर्फ अब 2 सेकंड तुम्हारे लिए बचे हैं। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो मुझे, मैं बताता हूँ। हाँ मैं बोलता हूँ, ओके। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। तुमने हमारे 10 सेकंड का गलत इस्तेमाल किया, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। मेरा कोट सफेद है मगर मेरी कमीज दिल जैसी काली है। वो कॉल है। उसे किस लिए इशारा किया? पूछ रहा हूं, जवाब दो। 10 सेकंड में तो उसने मुंह नहीं खोला, मार क्यों नहीं दिया? मैंने जो सवाल किया उसका जवाब ये नहीं। उस एहसान फरामोश ने हमें धोखा दिया, हॉक को मार दिया, और तुम्हारी भी परवाह नहीं की। डरपोक हो तुम। मुझे डरपोक समझता है क्या? फिर क्यों भीख मांग रहे थे? हाथ मेरा भी उठ सकता है। Oh!
और मैं मास्टर हूँ। चलो मैंने तुम्हें माफ किया। मेरा पावर क्या है तुम नहीं जानते। अगर मुझे तुम्हें मारना होता तो कब का मार चुका होता। अगर तुम्हारा एक एहसान है मुझ पर, तुमने स्नेक को पकड़ने में मेरी मदद की थी, उसी वजह से मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। पढ़ने पर इस्तेमाल करना। इसे तबाह करना नामुमकिन है। मुमकिन मैं करूंगा। मैं कैसे यकीन करूं? तुम्हें सपोर्ट करूंगा मैं। मैं हमारे रिश्ते को खोना नहीं चाहती। लैपटॉप तो तुम्हें मिल गया ना? मैं अपनी जुबान का पक्का इंसान हूं। मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, मगर फिनिक्स तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उसका जिम्मेदार मैं नहीं। यहां से जल्दी निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ? ब्लैक ड्रैगन को तो लैपटॉप मिल गया है ना, अब यहाँ रुकने की क्या जरूरत है? मेरा काम अभी बाकी है। वो तुम्हें ऐसे आजाद नहीं करेगा। मेरे साथ चलो, अंदर मत जाओ। मैं नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि मेरी बेटी उसके पास कैद है। फायरिंग का ऑर्डर दीजिए सर। नहीं, अभी नहीं। वी आर रेडी। तो पुलिस हो? रुक जाओ, कोई गोली नहीं चलाएगा। तुमने मुझसे झूठ बोला। Yeah.
आई एम सॉरी दोस्त। टैंक ठीक तो है ना? हम निपट लेंगे, तुम जा सकते हो। अब तुम निकलो यहां से। निकलो क्या मतलब? पूछताछ चल रही है। मैं भी रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूं। हम भी पुलिस है। नहीं, तेरा बाप भी नहीं, तेरी मां भी नहीं। उसके इशारों पे तुमने कई बच्चों को किडनैप किया होगा। जो जन्म देते हैं उसका दर्द वही समझते हैं। तुम नहीं समझोगे। अपने बच्चों से बिछड़कर मां बाप कितने तड़पे होंगे ये तुम नहीं समझ पाओगे। ब्लैक ड्रैगन कहां है? टैक्स स्ट्रीट 31 बिल्डिंग में ही। हम बिजनेस डील के लिए अक्सर मिलते हैं, वहीं होगा। शिपयार्ड में किसी दो लोगों से मिलने की बात हो रही थी। इतने बार पड़े हुए। ठीक है, मैं देखता हूं। तुम पुलिस हो ये जानने के बाद भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया, फिर भी मैं तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक जीना चाहता हूँ और मुझे पता है तुम भी ऐसा ही सोचती हो। तुम ये सब कुछ छोड़ दो ट्रिन,
क्योंकि तुम ये सब करने के लिए नहीं जन्मी। हम दोनों का फ्यूचर तुम्हारे फैसले पर है। तुम्हारी बेटी के मिलते ही मैं ब्लैक ड्रैगन को गिरफ्तार कर लूंगा और गैंग। मन करो ये बकवास। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे आगे निहत्था खड़ा हूं। तुम चाहो तो गोली चला सकती हो। जिसको चाहते हो उसको खोने से कितना दर्द होता है ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। वो दर्द मुझे मत देना। मेरा सबसे भरोसा उड़ गया है और ना ही किसी की जरूरत है। चले जाओ। ऐसा किसी दुश्मन को भी ना नसीब हो ये मत सोचना कि मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगी। तकदीर में जो लिखा है वही तुम्हारे साथ होगा। जाओ। तुम जिंदा हो यही सोचकर मैं रह लूंगी। बहुत बड़े डील के लिए आया हूं। कमीशन भी बड़ा ही मिलना चाहिए। मिलेगा नहीं तो एक आंख वाले की तरह मुझे भी ढेर कर दोगे। माल दिखाओ। यह हमारा पहला बिजनेस है। जैसा कहा वैसा ही निभाया। ऐसे ना जाने हम लोग और कितनी डील करेंगे। ओके। तुम्हारे हिसाब से यह पहला बिजनेस है लेकिन यही तुम्हारा लास्ट बिजनेस होगा। जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। किसका लास्ट बिजनेस है यह तुम्हें अभी मालूम हो जाएगा। तुम वाकई में अक्लमंद हो। मुझे तुम्हारी उंगलियों के बजाय तुम्हारी जुबान काटनी चाहिए थी।
तो तुम हो ब्लैक ड्रैगन। तुम लैपटॉप लेकर के जाओगे और हम देखते रहेंगे क्या? अपने हथियार नीचे फेंक दो, पुलिस ने तुम लोगों को चारों ओर से घेर लिया है। शूट दें!
उसकी तकदीर यही खत्म होती है। मेरी बेटी कहाँ है? उसे तो मैंने कब का मार दिया है। मैं जानता हूं तुम्हारा निशाना मेरे दिल पे है और मेरा निशाना तुम्हारे दिल पे है। तुम्हें तुम्हारा दिल चाहिए या नहीं?